Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our today's session, we are going to start our new chapter and new unit, which is Knowledge Representation Issues. First of all, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि what is knowledge and how can we represent our knowledge. So, knowledge and representation problem solving requires large amount of knowledge. And there are some methods for manipulating that knowledge. So, अगर हम methods की बात करें, सबसे पहले तो knowledge representation हमें क्यों चाहिए? हम क्यों knowledge represent करने की हमें जरूरत पड़ती है? तो first of all, knowledge जो होता है, that is the description of the world. It determines the system's competence by what it knows. क्या चीजें हमें पता है? That is the knowledge. And representation is the way the knowledge is encoded. It defines the system's performance in doing something. आपको जो चीजें पता है, आपको जो fact पता है, आपके पास जो knowledge है, उसे आप कैसे encode करोगे? कैसे उसे perform करवाओगे system के ऊपर? मतलब उसे आप हम कैसे represent करवाएंगे? So this is the knowledge representation. Knowledge representation करने के लिए हमें बहुत सारे models और mechanism की जरूरत पड़ती है, जो कि available है. जिसमें हम कुछ लॉजिक्स का यूज करते हैं, रूल्स का यूज करते हैं, फ्रेम्स का यूज करते हैं, सिमेंटिक नेट का यूज करते हैं. ये सारी चीजें जो है दैट आर वेरी यूजफुल फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड दैट आर नोन एज द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मॉडल. नॉलेज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट इज इनफॉर्मल और इम्प्लिसिट नॉलेज एंड द अनदर इज एक्सप्लिसिट और फॉर्मल टाइप ऑफ नॉलेज. इनफॉर्मल और इम्प्लिसिट नॉलेज के अंदर जो ह्यूमन बींग के पास जो चीजें, ह्यूमन बींग के माइंड में जो चीजें एग्जिस्ट करती है, दैट आर नोन एज इम्प्लिसिट और इनफॉर्मल नॉलेज. इनफॉर्मल नॉलेज को आर्टिकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इनफॉर्मल नॉलेज के साथ, इनफॉर्मल नॉलेज को शेयर करना, किसके साथ कम्युनिकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इट इज हार्ड टू स्टील और कॉपी. कहीं से आप इनफॉर्मल नॉलेज को कॉपी नहीं कर सकते हो या फिर उसे चोरी नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चीज चल रही है वो आप लोगों को शायद अंदाजा हो सकता है, पर पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं हो सकती है. तो दैट इज द इम्प्लिसिट और इनफॉर्मल नॉलेज. दूसरे टाइप का हमारे पास जो नॉलेज है, दैट इज एक्सप्लिसिट और फॉर्मल टाइप ऑफ नॉलेज. एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है वो ह्यूमन बींग के आउटसाइड पे एग्जिस्ट करती है. मतलब द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड देयर इज द नॉलेज नोन एज द एक्सप्लिसिट और फॉर्मल नॉलेज. मतलब ह्यूमन बींग को वो चीज पता होती है, उसे एम्बेड करना इजी होता है, उसे आर्टिकुलेट कर सकते हैं हम, उसे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कि कहीं से कॉपी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं या कहीं पे भी हम स्टोर करवा सकते हैं. हमने जो जो चीजें बाहर से देखी हुई होती है उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम आर्टिफैक्ट करवा सकते हैं. तो वो टाइप का नॉलेज जो होता है, दैट इज द एक्सप्लिसिट नॉलेज. अब नॉलेज की अगर हम बात करें तो देर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज दैट नीड टू बी रिप्रेजेंटेड इन AI. AI सिस्टम के अंदर अगर आपको नॉलेज रिप्रेजेंट करवाना है तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. उसमें फर्स्ट आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज जिसके अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट इन द डोमेन नीड टू बी रिप्रेजेंटेड. कोई पर्टिकुलर डोमेन है उसके फैक्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो दैट नॉलेज इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट. पियानो हैव कीबोर्ड्स. द फैक्ट एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट पियानो इज दैट दे हैव अ कीबोर्ड. आपको पता है कि पियानो के पास कीबोर्ड होते ही है, गिटार के पास स्ट्रिंग्स होती ही है. दैट मीन्स एक पियानो नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके पास कीबोर्ड अवेलेबल है. विदाउट दैट वी कैन नॉट प्ले द पियानो. द सेकेंड वन इज द इवेंट. इवेंट आर द एक्शंस दैट अकर इन द डोमेन. आप ऐसा बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल जॉन प्ले पियानो इन रॉक बैंड ग्रुप. दैट मीन्स एक रॉक बैंड ग्रुप नाम की इवेंट है जहाँ पे जॉन जो है वो पियानो प्ले करता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि इवेंट जो हो गई, दैट इज द नोन एज एक्शन एंड दैट आर सम काइंड ऑफ नॉलेज. द अनदर वन इज अ परफॉर्मेंस.
परफॉर्मेंस हम किसे बोलेंगे, तो परफॉर्मेंस इज द नॉलेज अबाउट हाउ टू डू थिंग। आप कोई पर्टिकुलर चीजें करना चाहते हो पर वो चीजें कैसे करोगे, दैट इज नोन एज द परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग अ पियानो इन्वॉल्व्स अ नॉलेज अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। आपको पियानो प्ले करना है तो आप ऐसे ही प्ले नहीं कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि उसे हम कैसे प्ले करवाएंगे। उसके बाद आता है मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज इज द नॉलेज अबाउट व्हाट वी नो। हमें जो चीज पता है उसके अंदर का भी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ रोबोट टू मैनेज योर मूड्स, मतलब आपको पता है कि आपके मूड्स क्या है। अब उसे मैनेज करवाने के लिए हम एक रोबो का यूज कर रहे, तो आपको वो नॉलेज को रोबो के अंदर भी डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है फैक्ट। फैक्ट आर द ट्रूथ अबाउट द रियल वर्ल्ड, मतलब जो चीजें है एग्जिस्ट करती है, दैट आर द फैक्ट। तो फैक्ट को रिप्रेजेंट करवाना भी एक आर्ट हो गया। मतलब आप एआई के अंदर फैक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करवाओगे, तो उसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उसके बाद आता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस इज अ काइंड ऑफ एजेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ले लो जो नॉलेज बेस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज के, तो आपको जैसे मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज है, तो मुझे वो चीज रिप्रेजेंट आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्डिंग्स चाहिए, कुछ सेंटेंस चाहिए, तो मुझे नॉलेज बेस बनाना पड़ेगा। मतलब मैं पर्टिकुलर ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे कंपोनेंट्स पता है कि ये चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, पर मुझे एक सारी चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन सम पर्टिकुलर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और हिंदी और गुजराती। तो मुझे इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, गुजराती का नॉलेज होना चाहिए एंड हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। उसके अंदर सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका भी मुझे नॉलेज होना चाहिए। देन एंड देन मैं आपके सामने मेरा जो नॉलेज है वो रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। तो दैट लैंग्वेजेस आर नोन एज द नॉलेज बेस, दैट सेंटेंसेस आर नोन एज द नॉलेज बेस। तो ये सारे टाइप के नॉलेजेस अवेलेबल है जिसको रिप्रेजेंट करवाना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो चीज आती है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग। रिप्रेजेंटेशन और मैपिंग के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एनकाउंटर होते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, और वो सारे लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करवाने के लिए या फिर उसे मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए, ताकि हम हमारे नॉलेज का यूज करके और मैकेनिज्म का यूज करके एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सके। नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज। नॉलेज और रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर बात करें, तो नॉलेज इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड रिप्रेजेंटेशन इज द वे द नॉलेज इज एनकोडेड। ये दोनों चीजें डिस्टिंग्विशेबल रोल प्ले कर रही है इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर, पर अगर दोनों के बगैर आपको कोई चीज रिप्रेजेंट करवानी है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदे के पास नॉलेज नहीं है तो वो उसे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, और अगर उसके पास रिप्रेजेंटेशन का मैकेनिज्म नहीं है तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विदाउट मैकेनिज्म वो नॉलेज आउटसाइड वर्ल्ड नहीं रख पाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग के बारे में अगर बात करें, तो रिप्रेजेंटेशन और मैपिंग के अंदर दो चीजें मैटर करती है। एक तो फैक्ट दैट आर नोन एज द नॉलेज, मतलब आपको जो चीज पता है दैट इज द फैक्ट, एंड सेकेंड थिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट, मतलब हम वो फैक्ट को मैनिपुलेट करके कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे। तो ये दोनों चीजों के बगैर आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। आपको करना क्या पड़ेगा, आपके पास जो फैक्ट है वो फैक्ट को इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके एक सेंटेंस में फॉर्म करना पड़ेगा। वो सेंटेंस के ऊपर मैं रीजनिंग प्रोग्राम अप्लाई करूंगी और उसे एक फॉर्म में, उसे एक लॉजिक में कन्वर्ट करके मैं आउटसाइड वर्ल्ड को प्रोवाइड करूंगी। तो दीज आर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग। फॉर अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि मेरे पास एक इंग्लिश सेंटेंस है, जॉन इज द फादर। अब अगर हम फॉरवर्ड मैपिंग का यूज करें, फॉरवर्ड मैपिंग बहुत सारे फंक्शन है मैपिंग करने के लिए। बेसिकली हम जो फंक्शन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं, दैट आर फॉरवर्ड मैपिंग एंड बैकवर्ड मैपिंग। अगर हम फॉरवर्ड मैपिंग का यूज करें टू रिप्रेजेंट दिस लॉजिक, तो हम फादर इनटू ब्रैकेट जॉन ऐसा लिख सकते हैं। दैट मींस जॉन
एक बनना है जो कि फादर है किसी का। तो आप दोनों चीजों से ये चीज, मतलब आपके पास जो इनिशियल फैक्ट है उसके ऊपर आप रियल रीजनिंग अप्लाई करके फाइनल फैक्ट जनरेट करवा पाओगे। तो दैट आर द फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास इनिशियल फैक्ट अवेलेबल है, उसके ऊपर आपने डिजायर्ड रियल रीजनिंग अप्लाई किया और फाइनल फैक्ट आपने जनरेट करवाए। फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करोगे, आपके पास जो इनिशियल फैक्ट अवेलेबल है उसका इनिशियल रिप्रेजेंट करवा के उसके ऊपर कुछ लॉजिक्स या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवा के आप उसे फाइनल फैक्ट के ऊपर ट्रांसफर करवाओगे। और बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, हम फाइनल फैक्ट का यूज करके इनिशियल फैक्ट तक पहुंचेंगे, मतलब हम लॉजिक का यूज करके स्टेटमेंट जनरेट करवाएंगे। और फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट का यूज करके हम लॉजिक जनरेट करवाएंगे। उसके बाद आता है अप्रोचेस टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो देर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। आप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली तीन या चार टाइप में कर सकते हो, सॉरी पांच टाइप में हम नॉलेज रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। फर्स्ट इज रिलेशनल नॉलेज, द अदर इज इनहेरिटेबल नॉलेज, थर्ड वन इज इन्फरेंशियल नॉलेज, फोर्थ इज डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड फिफ्थ इज द प्रोसीजरल नॉलेज। सिंपल रिलेशनल नॉलेज की अगर हम बात करें तो रिलेशनल नॉलेज प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट। सेम एट्रीब्यूट का यूज करके हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट को कंपेयर करवाएंगे, एंड एनी इंस्टेंस इन विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड इज अ रिलेशनल टाइप ऑफ नॉलेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास प्लेयर वन, प्लेयर टू एंड प्लेयर थ्री है, तीनों का वेट और एज हमारे पास है। तो हम वेट और एज के अकॉर्डिंगली तीनों प्लेयर के एट्रीब्यूट्स जो है उसे कंपेयर करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेशनल डेटा दिया है, मतलब प्लेयर वन की भी वेट और एज है, प्लेयर टू की भी वेट और एज है और प्लेयर थ्री की भी वेट और एज है। ऐसा नहीं है कि एट्रीब्यूट आपके पास डिफरेंट है, सेम एट्रीब्यूट है। तो आपके पास रिलेटेड नॉलेज है, मतलब तीनों प्लेयर की वेट और एज आपके पास अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम बोल सकते हैं कि भाई 23 ईयर एज का बंदा है उसका वेट 65 है और 24 ईयर एज का बंदा है तो उसका वेट 75 है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करवा सकते हैं। कैसे कंपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ एज है तो वेट भी सिमिलर काइंड ऑफ होना चाहिए। तो रिलेटेड डेटा का यूज करके हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करवा के रिलेशनल टाइप ऑफ नॉलेज जो है वो गेन करवा पाएंगे। सेकेंड वन जो है दैट इज द इनहेरिटेबल नॉलेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है वो दो क्लास बहुत सारे क्लासेस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक जनरलाइजेशन हायरार्की हमने बनाई हुई होती है कि फ्रॉम सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी कैन इनहेरिट द अनदर वन ऑब्जेक्ट्स। बट जो ऑब्जेक्ट हम इनहेरिट कर रहे हैं उसमें प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तो होती ही है, पर उसकी नई प्रॉपर्टीज भी हम उसके अंदर ऐड करवा पाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया है आई एस ए रिलेशनशिप, मतलब इज अ रिलेशनशिप। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि एडल्ट मेल जो है दैट इज अर ऑब्जेक्ट, प्लेयर दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब उसके अंदर में दो कैटेगरी डिवाइड की है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट का प्लेयर है पीटर एंड फुटबॉल का प्लेयर है अंकित। तो पीटर इज द इंस्टेंस ऑफ क्रिकेट, अंकित इज द इंस्टेंस ऑफ फुटबॉल। क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले दोनों नोन एज अ प्लेयर, एंड प्लेयर इज एडल्ट मेल। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारी प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट हो रही है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था एडल्ट मेल, उसमें से हमने प्लेयर इनहेरिट किया। प्लेयर में हमने दो चीजें इनहेरिट की, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो यहाँ पे आप अपना पूरा नॉलेज जो है वो इनहेरिट करवा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तीसरा है हमारे पास इन्फेरेंशियल नॉलेज। इन्फेरेंशियल नॉलेज इज यूज टू रिप्रेजेंट द फैक्ट इन अ लॉजिकल फॉर्म। जहाँ पे आप रीजनिंग की बात कर सकते हो कि अगर रीजनिंग का यूज करके हम कुछ लॉजिकल फैक्ट रिप्रेजेंट करवाना है तो हम इन्फेरेंशियल नॉलेज का यूज करके उसे कर सकते हैं। इट इज इन्फर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट थ्रू रिलेशन अमंग द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड अलोन इज अ सिंपल सिंटेक्स, बट विद द हेल्प ऑफ अदर वर्ड्स इन फ्रेज द रीडर में इन्फर मोर फ्रॉम अ वर्ड। कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर आपके पास सिंपल सिंटेक्स है तो वहां से आप दूसरे वर्ड जो है वो इन्फर करवा सकते हो।
यहाँ पे दो सेंटेंस हमें दिए है कि मार्कस इज अ मैन एंड ऑल मैन आर मॉर्टल, तो हम ये चीज का यूज करके, ये दोनों सेंटेंस का यूज करके एक थर्ड लॉजिक रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज फॉरवर्ड रीजनिंग, मैन ऑफ मार्कस इसका मतलब होता है मार्कस इज अ मैन। अब ऑल, फॉर ऑल के लिए हम ये आइडेंटिफायर यूज करते हैं उल्टा ए, और एक्स को हमने दे दिया है मैन, तो इज इक्वल टू मैन ऑफ एक्स टेंस टू मॉर्टल ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है कि ऑल मैन आर मॉर्टल। तो दीज आर द वे ऑफ लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। आपको आगे के चैप्टर में आएगा कि कैसे लॉजिक रिप्रेजेंट करना है, तो हम सारे लॉजिक इस तरह का यूज करके रिप्रेजेंट करवाएंगे। उसके बाद आता है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ टू मेक इट रेदर देन वॉट इट इज, कैसे हम परफॉर्म करवाएंगे, क्या है उसके अलावा कैसे वो चीज परफॉर्म करवाएंगे, उसके ऊपर प्रोसीजरल नॉलेज वर्क करता है। इन दिस द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू यूज द नॉलेज इज इम्प्लांटेड इन द नॉलेज इटसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डायरेक्शंस एंड रेसिपीज, दिस इंडिकेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसीजरल नॉलेज जो है वो इफ देन रूल पे वर्क करता है, इफ दिस देन दिस। लास्ट एक यहाँ पे ऐड करना रह गया, दैट इज द डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज एम्बेडेड नॉलेज दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द ह्यूमन बीइंग, जो कि हमने डिस्कस किया था कि एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है वो, इट कैन बी आर्टिकुलेटेड फॉर्मली एंड इजीली। और ये टाइप का जो नॉलेज है, डिक्लेरेटिव टाइप का नॉलेज, दैट इज टू बी पुट इज नॉट गिवन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट है, फैक्ट है, प्रपोजिशन है, तो आप इन सारी चीजों का यूज करके कोई अदर नॉलेज जो है वो जनरेट करवा पाओगे, तो दैट इज नोन एज द डिक्लेरेटिव नॉलेज। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। कोई भी नॉलेज रिप्रेजेंट अगर आपको करवानी है तो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। उसके अंदर फर्स्ट चीज है रिप्रेजेंटेशनल एक्यूरेसी। रिप्रेजेंटेशनल एक्यूरेसी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इट हैज द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। दूसरा है इन्फ्रेंशियल एक्यूरेसी। इट हैज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट द रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रक्चर कोरिस्पॉन्डिंग टू द न्यू नॉलेज इन्फर्ड फ्रॉम ओरिजिनल नॉलेज। जो ओरिजिनल नॉलेज आपके पास है उसके ऊपर से कुछ नया नॉलेज जनरेट करना और वो नए नॉलेज के ऊपर मैनिपुलेशन करके वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर जनरेट करवाना, दैट इज द मेन वर्क ऑफ इन्फ्रेंशियल एडिक्यूएसी। उसके बाद है इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी। इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज टू डायरेक्ट द इन्फ्रेंशियल मैकेनिज्म इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव डायरेक्शन बाय स्ट्रिंग कैपेबल गाइड्स। दिस इज नथिंग बट इट गिव्स द डायरेक्शन by storing the appropriate guides. And last one is the acquisitional efficiency. Acquisitional efficiency has the ability to obtain new knowledge using automatic method. कोई भी particular automatic method अगर आपके पास available होगी तो वो methods का use करके हम कोई knowledge, नया knowledge जो है वो obtain करवा पाएंगे। जहाँ पे भी आपको human involvement चाहिए तो human involvement यहाँ पे possible हो सकता है। So these are the approach of knowledge representation. This is all about your chapter number 3, which is knowledge representation issues. आपके ये chapter के most important questions की अगर बात करें तो what is the knowledge representation in AI? What are the different approaches of knowledge representation? A difference between procedural and declarative knowledge and कोई भी नॉलेज, ये जो चार नॉलेज हमने देखे उसमें से आपको कोई भी नॉलेज एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ सकते हैं। ये मेनली चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू GTU एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 और यूनिट 3 जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।